हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन क्लास सेवेंथ में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ के अंदर अपना जो पहला टॉपिक होता है इंटीजर्स पढ़ेंगे। ये इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखो इंटीजर पढ़ाने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अपन प्रीवियस क्लास में आप क्या क्या पढ़ के आए हो। आप प्रीवियस क्लासों में इस टॉपिक से रिलेटेड दो तीन दो चीज़ें ना पहले से पढ़ के आए हो। पहली चीज़ तो आप क्या पढ़ के आए हो, एक नेचुरल नंबर पढ़ के आए हो, है ना। फिर एक होल नंबर पढ़ के आए हो। सिक्स क्लास में आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ा। इसके बाद में सिक्स क्लास के अंदर ही आपने थोड़ा सा इंटीजर के बारे में पढ़ा, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। अब उससे आगे अपन यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंटीजर नंबर्स पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे वाला वापस रिवाइंड कर देता हूँ। पहली चीज आपको पढ़नी है, ध्यान रखनी है, वो क्या है। सबसे पहले जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपने पढ़ा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होकर कहां तक चलते हैं, एंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कहां तक, एंड तक। उन नंबर्स को अपन क्या बोल रहे थे, नेचुरल नंबर। वे नंबर्स जिनको अपन वन से स्टार्ट करके कहां तक लग जाते हैं, एंड तक ले जाते रहते हैं, उनको अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि इसे अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये चीजें आपने बेसिकली ये चीजें पढ़ी हुई है। देखो आपने एक चीज और पढ़ी थी कि आपको नंबर्स की है ना रिक्वायर क्यों हुई। भाई मान लो कि पहले नंबर्स की जरूरत कहाँ पड़ी, अपन को चीज मतलब अपन को जब कोई जरूरत चीज की जरूरत होती है तभी अपन नंबर्स है ना उस चीज की इवेंट करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको पता है, आपने पढ़ा था सिक्स क्लास के अंदर कि मिलियनेस्ट ईयर ऑफ एगो मतलब बहुत साल मतलब बहुत सारे वर्षों पहले क्या था कि आज जो ह्यूमन थे ना ह्यूमन लोग वो सारे क्या रहते थे, जंगल के अंदर रहते थे। जंगल के अंदर रहते थे, उनको ना खाने के लिए जब भी कोई चीज़ चाहिए होती थी तो शिकार क्या खाना, उन मिलियन फल पेड़ों पर गए वहाँ से फल थोड़े वो खा लिए। कहने का मतलब उनको कोई चीज़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं थी तो फिर नंबर्स की क्या जरूरत है भाई। नंबर्स का हम यूज क्यों करते हैं, जब अपन को कोई चीज वो सारी चीज अपने पास पड़ी है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन नंबर्स का यूज करते हैं। जब उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी वो कैलकुलेट क्या करते, तो उनको नंबर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि ये लोग क्या थे, एक साथ रहने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे, एक साथ परिवार बनने लगा, उन लोगों का परिवार के साथ रहने लगे। तो उनको क्या हुआ, फिर भोजन को सब और भी बहुत सारी चीजें उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ी। जब कोई चीज इकट्ठी होगी तो उनको काउंट करने की जरूरत पड़ेगी, काउंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले नंबर्स का इवेंट होगा। अब पहले क्या था, पहले नंबर तो थे नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, काउंट करने का अपना तरीका होता था। कैसे, इन्होंने क्या किया कि कुछ स्टिक्स को ऐसे साइज में स्टिक्स रखते थे, उनको कुछ स्टिक्स के अकॉर्डिंग काउंट कर लेते थे। जैसे मैंने जितनी स्टिक रखी हुई है, स्टिक है कितनी चीज मेरे पास स्टोर हुई हुई है, या कोई पत्थर ले लेते थे, ठीक है, ऐसे गोल गोल पत्थर ले लेते थे और उन पत्थर को काउंट करके बता देते इतने पत्थर है इसका मतलब कोई भी ना कोई भी मेरे पास इतनी पड़ी हुई है। और भी बहुत सारे मेथड थे इनके पास है ना, कोई भी ना मेटल की मेटल लेके उसको काउंट करके रख लेते, ये तरीका होता था उनका काउंटिंग करने का। लेकिन ये क्या था, ये तरीका पर कोई चीज अगर मान लो थोड़ी सी मात्रा में तब तक तो ठीक था। कहने का मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई ना 100 तक कोई चीज है, 200 तक, तब तो ये इससे काउंटिंग करने का निकाल सकता था। लेकिन मान लो मेरे पास कोई चीज 1000 में पड़ी हुई है, अब 1000 को अगर मैं रखूंगा तो पत्थर कितने पत्थर आएंगे, घर बन रहा हूँ हाउस में इतने पत्थर कहाँ से रखे, इतनी स्टिक कहाँ से लाए। तो फिर उनको ऐसे लगने लगा कि इतनी चीजें अगर अपने पास हो गई फिर उनको इकट्ठा करने के लिए अपन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, नंबर्स के बारे में सोचा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये नंबर्स बनाए। यहाँ नंबर्स क्या है, एक इन्होंने क्या किया, एक तरह से पूरी स्टिक एक ही रूम को उन्होंने क्या कर दिया, वन, उसको वन काउंट कर दिया। जब कोई स्टिक दो स्टिक रखी उन्होंने क्या बोला, ये टू हो गई। कोई स्टिक थ्री ही, थ्री स्टिक हो या थ्री जो स्टोन थे, थ्री स्टोन थे उनको काउंट कर लिया, उनको बोला ये थ्री थे। ऐसे नंबर का इवेंट हुआ, ऐसे करते करते नंबर तक पहुंचे नाइन तक। फिर दिक्कत आई, नाइन तक पहुंचे, फिर देखते हैं नाइन तक तो सही था। इसके बाद में क्या हुआ, अपन आप ऐसे नंबर्स काउंट करेंगे तो ये नंबर बहुत सारे हो जाएंगे, इनको लिखना याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सबसे पहले क्या काउंट खोजना, जीरो। जैसे जीरो का इवेंट हुआ फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, वन के आगे जीरो लगाया, फिर वन जीरो टेन हो गया, फिर वन इलेवन, वन इलेवन हो गया, वन टू ट्वेल्व हो गया, ऐसे करते करते नंबर्स का इवेंट हो गया। ऐसे अपन नंबर्स के इवेंट में पहुंचे। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं ना, अब इन नंबर्स को अरेंज करने का तरीका, भाई अपन को जरूरत हुई उसी के हिसाब से अपने नंबर इवेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि वे नंबर जो वन से स्टार्ट होके एंड तक जाके उनको अपन ने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर।
वे नंबर जो वन से स्टार्ट होकर एंड तक जाते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक चीज और, यहाँ पे जो एंड दे रखा है ना एंड, इसका मीन क्या है? एंड का मीन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली ये नंबर तक ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि अपन, आप मान लो कि आप स्कूल से घर जा रहे हो, अब आपका एंड पॉइंट क्या है? हाउस है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्कूल है। तो आप स्कूल से घर तक पहुंचे, आप पर्टिकुलरली बोल सकते हो कि मेरा ये एंड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, अब आपको पता ही नहीं कितने नंबर वो अपन काउंट कर सकते हैं। तो अपन इसके लिए इन्फिनिटी इक्वल यूज करते हैं, इन्फिनिटी या एंड बोल देते हैं। मतलब वे नंबर जो वन से स्टार्ट होकर एंड तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड नंबर के पास जो नंबर है उनको बोलते हैं होल नंबर। ये चीजें मैं आपको क्या रिमाइंडर करवा रहा हूँ, जिसे आप पढ़ चुके हो। होल नंबर क्या होते हैं? देखो ये नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, बस केवल और केवल फर्क क्या होता है? जीरो का। तो वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो, वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होकर एंड तक पहुंचते हैं उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंचते हैं? एंड तक पहुंचते हैं, बोलते हैं होल नंबर। क्या फर्क है इसमें, क्या डिफरेंस इसका है? जीरो का। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है। तो वे नंबर्स जो जीरो से लेके एंड तक होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। इनको अपन ना अपन लिखते हैं डब्ल्यू से है, लेकिन इनको रीड अपन ना होल से करते हैं। यहां पर डब्ल्यू क्या होता है? साइलेंट वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो नंबर आते हैं वो है इंटीजर नंबर, जो कि आपने पढ़ना है, उनको पढ़ना है इंटीजर नंबर या इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं भाई? अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपने भी थोड़ी देर पहले बोला सर, आपने बोला कि ना नंबर्स अपन ने क्या अपने रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग अपन नंबर्स का इवेंट कर देंगे, फिर अपन को नंबर चल रही थी अपन इवेंट कर लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सारे नंबर आ गए है ना, फिर मेरे पास वन से लेकर सारे नंबर हो गए, फिर उनको जीरो इवेंट होता अपने जीरो भी ऐड कर दिया। लेकिन सर अब आप ये नंबर बताना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंटीजर नंबर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंटीजर नंबर की क्या जरूरत पड़ी है, जरूरत थी क्या? फिर अपने जीरो से लेकर सारे नंबर आ गए, हमें इंटीजर नंबर की जरूरत थी? कौन से होते हैं इंटीजर नंबर बताओ? देखो ध्यान से, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? तो इसको ध्यान से रखना है, इसके अंदर क्या है? सारे नंबर है इसके अंदर। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर ऐसे दे दूँ कि ना कोई चीज मुझे ना किसी, अब जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए ले लो, कोई चीज मुझे ना मेरे पास ना किसी ने मेरे से लेने के लिए आया, जैसे आप मेरे से लेने के लिए आए, मेरे पास 100 रुपीज थे, आपने मुझे आके बोला सर हमें 100 रुपीज चाहिए, मैंने आपको 100 रुपीज दे दिया, ठीक है। अब आपके पास 100 रुपीज मैंने दिए हैं, अब आप उसको कैसे नोट करोगे? मैंने मेरे से नहीं, मेरे पास थे, मैंने आपको दे दी, अब इस तरह को समझाओगे कैसे इसको? आपके पास 100 रुपीज, आप ऐसे अपन जैसे नॉर्मली इसे लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलतेगा कि सर आप 100 रुपीज अब मेरे मांगने लग गए, अब मैं आपको 100 रुपीज आपको वापस मुझे रिटर्न करने हैं। अब इसको लैंग्वेज भी तो अपन ने समझा दी, लेकिन अब इसे साइन के रूप से कैसे समझाएं? क्योंकि चीजें ना इसको समझा नहीं पाते थे, या कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे मान लो कि टेम्परेचर को मान लो कि कोई चीज अपने पास ना टेम्परेचर था जीरो, और मान लो कई बार आपने देखो होगा, पढ़ते हैं ना बहुत सारी जगह, सियाचिन है, ग्लेशियर जो प्रमाण जो है ना ग्लेशियर्स वहाँ होता है, वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव चले जाए। अब उन नंबर्स को आप कैसे बताओगे? तो इन नंबर से बता सकते थे, जीरो से जीरो नंबर ही नहीं आपके पास, तो कहाँ से बता दे? या मान लो कि आप बैंक के अंदर गए, बैंक के अंदर कोई चीज ना डिपॉजिट हो रही है, फिर उससे कोई विड्रॉल हो रहा है, मान लो कि आपने कोई 1000 रुपीज डिपॉजिट करा दी, फिर आपने 200 निकाली, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये चीजें डिफाइन करने के लिए अपने पास कोई नंबर्स नहीं थे, तो अपने कौन से नंबर यूज किए? इंटीजर नंबर्स। ध्यान से देखो कौन से होते हैं इंटीजर नंबर्स, वे नंबर्स जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक? एंड तक। इधर भी कहां तक? एंड तक। इधर नेगेटिव एंड तक और उधर पॉजिटिव एंड तक। तो वे नंबर्स जो माइनस एंड से स्टार्ट होकर पॉजिटिव एंड तक जाते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। ध्यान से देखना, वे नंबर्स जो माइनस एंड से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं? पॉजिटिव एंड तक, उनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। फिर अपन ने इसके अंदर ये बोल दिया कि यानी कहने का मतलब यहां से स्टार्ट करें नेचुरल थे, जीरो और आ गया तो होल हो गया, और ये वाला ऐड हो गया तो नेचुरल नंबर, तो इंटीजर नंबर बन गया अपने पास। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? माइनस एंड से लेके प्लस एंड तक, ये कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो टॉपिक है इसी के अंदर है इंटीजर नंबर का यूज क्या है, फिर इसका यूज क्या है। कोई भी चीज अपन लेके आते हैं, जैसे मान लो आपने कोई आप पेन लेके आए, पेन का कोई यूज होता है तो लेके आते हैं अपन, अपने पास नोटबुक लेके आ रहे हैं, नोटबुक में वर्क करेंगे इसलिए अपन नोटबुक लेके आ रहे हैं। तो फिर अपन जब
अगर आपने पढ़ लिए इंटीजर नंबर तो फिर इसका कोई यूज तो होगा। अब आप ना एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप मैथ की क्लास में लो ना तो मतलब आप इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली यूज करना सीखो, मतलब अपन जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना उनको प्रैक्टिकल में यूज करना सीखो, कि ये मतलब ये चीजें आपको पढ़ाई से जा रही है कि प्रैक्टिकली आप उनको यूज कर सको और फिर उसका यूटिलाइज करना सीखो, जिससे क्या है ये चीजें आपको रिमेम्बर भी रहेगी और आपको कोई चीज मतलब ऐसे बोलते ना आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज को। तो सबसे पहले अब ये इंटीजर नंबर आप सीधे खुद से क्वेश्चन करो, जैसे आपने इंटीजर नंबर पढ़ा था इसका यूज क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो इसका यूज क्या है, सर आप बोल रहे निकालो अरे हमारे लाइफ में इसका यूज क्या है, हमारे लाइफ में इसका यूज नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इसको पढ़ाने की। तो आपको यही चीजें जब आप क्वेश्चन अपने आप से करने स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ पर्टिकुलर का बहुत यूज होता है अपनी लाइफ में, तभी अपन इसको स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखो मैं आपको बता रहा हूँ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर अपन ने क्या पढ़े कि वे नंबर जो माइनस नेगेटिव एंड से लेके प्लस एंड तक होते हैं उनको अपन बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब सबसे पहले इसका यूज है वो है बैंक में, मैंने पर्टिकुलर बेसिस का यूज बहुत सारे लिखे ना, लेकिन मैंने एक आपको एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ लिख दिया बैंक में। बैंक में क्या होता है दो चीजें होती है, एक तो आपको चीजें से मान लो कि कई बार आपके पास पैसे थे आप वहाँ पे जाके बैंक में क्या करते हो डिपॉजिट करवा देते हो, किस लिए कि वो स्टोर रहते हैं जब आपको जरूरत पड़े अपन वापस निकाल लें विड्रॉल कर लेंगे वहां से। तो पहला काम तो क्या है कि अपन जो भी कोई चीज डिपॉजिट करवाते हैं है ना और कोई चीज डेबिट या विड्रॉल करवाते हैं, देखो विड्रॉल करवाते हैं ना विड्रॉल करवा लो, जब भी कोई चीज अपने विड्रॉल करवानी है डिपॉजिट करवानी। अब देखो जब भी कोई चीज अपन डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा हमेशा साइन प्लस का, भाई अपन ने कोई चीज जमा करवाई अपन ने कोई चीज स्टोर कर रहे हैं, जब भी अगर कोई चीज मान लो घर के अंदर अपने पास है ना अपने गेहूं की बोरी स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा 10 बोरी स्टोर कर ली तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 10 मेरे पास क्या है बोले ना बैग्स रखे हुए हैं ना। अब ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखें इसको प्लस में करेंगे, और अगर कोई चीज से अपन निकाल रहे हैं उसमें से अमाउंट अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, आप चेक भी कर देगा। जैसे मान लो कि आपने एक बार ना बैंक के अंदर 10,000 रुपीज जमा करवा दिया आपने है ना डिपॉजिट करवाया, फिर धीरे धीरे आपने क्या एक बार आपने 2,000 उसमें से तो वहाँ पे देखा कम होते जाएंगे आपके अमाउंट, एक बार आपने 3,000 उसमें से विड्रॉल कर लिए, एक बार आपने ना इसमें से 4,000 विड्रॉल कर लिए। अब आप ऐसा थोड़ा ही जब आप लास्ट में जाओगे फिर कहोगे नहीं मैंने 10,000 आपको डिपॉजिट करवाए आपके पास 10,000 रुपीज होने चाहिए, तो वो आपको क्या बोलेंगे आपने बिल्कुल 10,000 में डिपॉजिट करवाए थे लेकिन आपने 2,000 एक बार विड्रॉल किया 3,000 एक बार विड्रॉल किया और 4,000 एक बार विड्रॉल किया, टोटल आपने 9,000 विड्रॉल कर लिया। अब इसके बाद में आपका जो करंट बैलेंस है वो 1,000 है, यानी कहने का मतलब आपने 10,000 में से 9,000 तो विड्रॉल कर लिए, इसका मतलब आपका कितने बचे हैं टोटल 1,000, ये क्या है प्लस इसको भी क्या मतलब ये कहने का मतलब आपके बचे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये चीज अपन निकाल रहे हैं तो अपन नेगेटिव में, तो पहले ये क्या हो गया बैंक के अंदर। सेकेंड यूज इसका कहाँ है, सेकेंड यूज इसका अपन अपन कर सकते हैं टेम्परेचर में, देखो टेम्परेचर में इसका यूज क्या है, टेम्परेचर में आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझा रहा था टेम्परेचर में क्या यूज है, जब कोई चीज है ना अपन जैसे मान लो कि जब भी टेम्परेचर ना 0 से ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी अपन फोन नंबर से निकाल लेते थे, लेकिन मैंने बोला कि जब आप ग्लेशियर्स में जाओगे आप सियाचिन में जाओगे जब इंडिया के जो इंडिया का जो एरिया ना सियाचिन एरिया वहाँ पे भी आपको पता है थोड़ी दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि वहाँ पे अक्टूबर मंथ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो -15 से लेकर -20 डिग्री तक पहुंच जाता है, कहने का मतलब -15 से -20 डिग्री तक। अब आप आपके पास अगर मान लो कि रोल नंबर ही होता तो आप वहाँ से उनको उसके बारे में बता पाते कि वहाँ का टेम्परेचर बता सकते थे नहीं बता पाते, इसीलिए अपन एक टर्म यूज वहाँ करते थे टेम्परेचर में इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका जो यूज अपन कहाँ कर सकते हैं वो है लाइफ साइकिल में, आपने ना स्कूल में टीचर्स ने आपको एक होमवर्क करवाया, होमवर्क करवाने के बाद में आपको बोला कि ना ये कल आपका डन होना चाहिए कंप्लीट हो जाए तो है ना आप ना अपने नोटबुक चेक करवा लो। अब क्या होता है कि जब ना सारे बच्चे नोटबुक चेक करवा रहे होते हैं आप किसी वजह से मान लो कि आपने ना कल नेट ना मतलब मान लो कि आप होमवर्क नहीं कर पाए, अब आप होमवर्क नहीं कर पाए और फिर क्या हुआ टीचर्स सारी स्टूडेंट्स की कॉपियाँ चेक कर रहे थे, तो आपने जब उनकी कॉपी चेक करने के लिए जब आपकी कॉपी उनके पास गई तो टीचर्स ने देखा कि आपका होमवर्क डन ही नहीं है तो उन्होंने आपको डांट दिया। अब आपको उन्होंने डांटते क्या हो आपको डांटते आपके अंदर क्या होता है अपने आप ही ना मतलब ऐसे ना अलग सी फीलिंग होती है दुख होने लगता है इन चीजों को, तो ये चीजें होती है। कई बार क्या होता है कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि पापा ने आपके लिए बाईसाइकिल लेके आ गए और जैसे ही घर पे जाते आपको पता चला कि मेरे लिए ना मेरे बाईसाइकिल लेके आए तो आप बहुत खुश हो सकते हैं, आपका बर्थडे था आप बहुत खुश होते हो,
कई बार आप बहुत सारे दुखी होते हैं, तो कहने का मतलब ये कि जो अपन कभी खुश होते हैं कभी दुख होते हैं, इन चीजों को मापने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर अपन कुछ अपन दुखी है तो अपन उसको नेगेटिव में ले सकते हैं, और अगर अपन कुछ अगर खुश हो रहे तो अपन इसे ले सकते हैं पॉजिटिव में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये इसका यूज हो गया, ये तीन यूज इसके अपन हो सकते हैं, और भी इसमें लाइफ में अपन इसका बहुत सारे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया, वापस देखो एक बार, वापस रिमाइंड कर लो, नेचुरल नंबर वे नंबर जो वन से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंचते हैं एंड तक, तो अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होकर एंड तक पहुंचते हैं होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर वे नंबर्स होते हैं जो माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव तक जाते हैं, उनको अपन इंटीजर नंबर बोलते हैं। फिर अपन ने क्या बोला कि इंटीजर नंबर का यूजेस कहां है, तो अपन ने बोला इनका यूज कहां कहां हो सकता है, बैंक में हो सकता है, टेम्परेचर में अपन इसका यूज कर सकते हैं, लाइफ साइकिल में इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो इंटीजर नंबर अपन पढ़ रहे थे, अपन इसका यूज तो पढ़ चुके, अब अपन पढ़ेंगे इसकी टाइप। भाई इंटीजर नंबर कितने टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना, इंटीजर नंबर दो टाइप के होते हैं, वन है ना, टू टाइप कौन से होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर जिसे अपन ने पढ़ा था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, जैसे -3, -2, -1, ये सारे नेगेटिव इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर और एक नेगेटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 1 से, मतलब ये मान लीजिए पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर सारे पर इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और जो नेगेटिव साइन जिनकी साइन लगा उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से देखना आप एक चीज को, ये चीजें क्या है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। आप सर जैसे आपको मतलब ये आपको अपने मन में आने की आना चाहिए, जैसे मैं जब भी कभी ये चीजें पढ़ता था ना, तो ये क्वेश्चन मेरे अपने अपने मन में आता था, आपके मन में आता नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मन में आना चाहिए। कैसे, देखो मैंने एक चीज बोली, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जैसे ये 3 है और ये माइनस का 3 है, कभी आपने ये चीज सोची है क्या कि ना मैंने आपने कभी माइनस का कोई माइनस का 3 देखा है आपने, सोचो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और इजी बना दूंगा, आप कहोगे सर मैंने तो 3 भी नहीं देखा, आप क्या बोलोगे सर मैंने तो 3 भी नहीं देखा, माइनस का क्या, मैंने तो प्लस का भी नहीं देखा। चलो मैं इसको थोड़ा इजी बना देता हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कॉइन में अपन नॉट यूज करते हैं, 10 का है, 100 का है ना, 50 का है, ये सारे नोट्स आप देखे होंगे है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 100 का नोट देखा, आपने 10 का नोट देखा, आपने 50 का नोट देखा, सबके नोट देखे, ये तो देखिए ना आप सब। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये चीज है, अब आपको ऐसे बोलूं कि ना आपने कभी माइनस का 100 का नोट देखा है, चलो इसको और इजी करते हैं थोड़ा सा। एक बार मान लो कि टू स्टूडेंट थे, एक का नाम है राम और एक का नाम है रवि। देखो ध्यान से क्या हुआ, राम के पास आना, रवि राम के पास आता है और रवि राम को क्या बोलता है कि मुझे 100 रुपीज आपसे चाहिए, तो राम क्या करता है 100 रुपीज रवि को डोनेट कर देता है, या उसे हरि को, मान लो हरि को उसने दे दिए। अब क्या हुआ, हरि क्या रवि को दे दिए उन्होंने। अब मुझे एक बात बताओ, राम ने रवि को दिए, अब मैं आपको दोनों के बारे में पूछूं कि रवि के पास 100 लिख दिया, मैंने राम के पास 100 लिख दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा किसने दिया और किसने दिया, सोच के बताओ। मैंने दोनों की तरफ लिख दिया भाई, राम के पास थे, मैंने ये तो आपको लैंग्वेज ही बताया। अब अगर मैं पर्टिकुलर में ऐसा ना बोलता, मैं केवल यहाँ पे 100 लिख देता, तो आप बता सकते थे क्या कि राम के, मुझे ये समझा सकते थे क्या कि किसने दिए और किसने लिए, आई थिंक नो, क्यों नहीं समझा पाते। देखो इसका रीजन क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों में 100 लिख दिया, अब आपको क्या पता कि किसने दिए और किसने लिए हैं, तो यही चीजें समझाने के लिए मैंने क्या कहा, राम के पास थे तो मैंने राम के साथ क्या ख्याल लगा दिया पॉजिटिव, और यहाँ क्या लगा दिया नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, भाई राम के पास थे, राम ने किसको दे दिए 100 रुपए, रवि को दे दिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो यूज साइन यूज हो रहे हैं ना, वो साइन क्या काम कर रहे हैं, साइन केवल और केवल आपको इंडिकेट करने के लिए ही चीज यूज होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं है। आप ऐसा सोचो कि नेगेटिव में कोई चीज होती है, नहीं, नेगेटिव में कोई चीज नहीं होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव केवल और केवल एक तरह से साइन है जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें समझाते हैं इसके बारे में, जो भी उनके बीच रिलेशन होता है उनको समझाने का काम करते हैं। ठीक है, अपन कभी कोई रिलेशन लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन, जब भी कोई रिलेशन लिखते हैं ना अपन 100 200, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ध्यान से देखना, मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई भी स्टूडेंट है, मान लो आप 6th क्लास के अंदर है ना, अपनी 7th क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, 7th क्लास के अंदर
अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर सेवन क्लास के अंदर। मान लो कि गार्गी मान लो, ठीक है, गार्गी मान लो या दिया मान लो। ध्यान से देखना आप, ये दोनों क्या करती हैं, 50 रुपीज लेके एक शॉप पे जाते हैं, है ना। वहां पे गई, शॉप पे जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पार्ले जी बिस्कुट खरीदा 5 रुपीज, ठीक है, एक पार्ले जी इन्होंने बिस्कुट खरीदा। फिर इन्होंने क्या किया, है ना, एक 10 रुपीज वाले टेडीमेड कुरकुरे खरीदे इन्होंने, ठीक है, टेडीमेड कुरकुरे खरीदे 10 रुपीज के। और फिर उन्होंने बोला लास्ट में इन्होंने क्या किया, 10 रुपीज की इन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक और खरीदी, है ना, कोल्ड ड्रिंक और खरीदी, ऐसे करके ऐसे खरीदे। अब क्या हुआ, अब आप कॉकिंग के पास कितने पैसे बचे, आप फटाफट मुझे बोलोगे 25। लेकिन अगर इसको मैं रिलेशन के रूप में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि 50 रुपीज इनके पास थे, इन्होंने 5 रुपए की पार्ले जी खरीदे, 10 रुपीज की इन्होंने कुरकुरे खरीदे, 10 रुपीज की इनके साथ कोल्ड ड्रिंक खरीदी, टोटल 50 रुपीज थे, 25 उसमें लेस थे तो प्लस के बचे कितने पास, मेरे पास 25। कहने का मतलब क्या हुआ, एक रिलेशन तो हुआ। अब देखो नंबर यहाँ पे कोई ये थोड़ा ही था कि आपने जो 5 रुपए 5 रुपीज के अपने पार्ले जी खरीदे, 10 रुपीज के कुरकुरे खरीदे, वो नेगेटिव रुपीज थे, नहीं, ये केवल ये बताना चाह रहा है कि ये आपके लेस हो गए उसके अंदर से पैसे, ये पैसे क्या हो गए उसके अंदर से लेस हो गए, बस केवल केवल इतना ही बता रहा है। यहाँ पे केवल शायद ये यूज करते हैं कि नंबर्स आपको बताने का काम करता है कि आपके पास क्या रिमाइंड रहा है। तो कहने का मतलब आज से ये क्लियर रखना कि साइन केवल और केवल आपको इंडिकेट करने के लिए होता है, जैसे नहीं कि कुछ नेगेटिव में कोई चीज होती है, पॉजिटिव में कोई चीज होती है, कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू, अभी आप